डैम पर कूदने को लेकर हुआ विवाद, कूदने को मना करने वाले युवक को दूसरे युवकों की टूटी मार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा खड़ी मशीन स्थित डैम फिर एक बार चर्चा में है। चर्चा यह है कि शिवाजी नगर का ही एक युवक है मोहम्मद हुसैन शेख, जिसने रविवार 9 अगस्त को कुछ युवक डैम में छलांग लगा रहे थे, कूद रहे थे, उन्हें समझाया, मना किया, ऐसा उसका कहना। बहरहाल इसी बात को लेकर के इन युवकों ने उससे कहा कि तू होता कौन है हमें रोकने वाला। बहरहाल झगड़ा बढ़ गया। जिन युवकों को इसने रोका उन्होंने फोन करके अपने कुछ दूसरे साथियों को बुलाया और उसके बाद हुसैन शेख को मारा गया। आंख के ऊपर बिल्कुल हुसैन के चोट आई है, 3 टाके लगे हैं। भूमरा पुलिस ने एनसी दर्ज की है, जबकि इसमें 324 की धारा कम से कम लगनी चाहिए थी और उस तरह से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के हुसैन शेख और उसकी बहन खदीजा शेख का क्या कहना है वो हम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन शेख। हसन भाई, ये जो आज डैम के ऊपर जो आपके साथ में मारा मारी की गई और किन लोगों ने किया और किस वजह से किया? मैं सर वो लोग को है ना 10 बार समझाया कि भाई डैम में मत उतरो मत उतरो मत उतरो, तो बोले नहीं मैं जम मार के जाऊँगा इसके अंदर। वो बोला मत मार भाई, देख मत मार इसमें जम। तो उधर बैठ के उसने फ़ोन लगाया लोग के दोस्त लोग को, उसके दोस्त लोग आए नीचे बोले थे फोन इधर पर खड़ा किया ये ना वो ना। 15 जन टोटल, तो उसमें से एक का नाम मालूम, एक का नाम मकबूल है, शिवाजी नगर का रहने वाला, बाकी सब शिवाजी नगर के थे। वो लोग भी सब शिवाजी नगर के। तो लोग ने क्या बोले मेरे को मारे वार मारे इधर पे एक सामान से, और सामान डाल रहा था पेट के अंदर, तो उसने मैंने हाथ पकड़ लिया उसका। तो तुम्हें बचाया किसने? हाँ मेरे दोस्त लोग ने। क्या 3-4 दोस्त लोग थे उन लोग ने बचाया? मेरे दोस्त लोग ने बचाया। दोस्त लोग ने? हाँ। कि वहाँ से आप किधर? मुमरा चौक आया। तो मुमरा चौकी में अभी FIR हुई है या NC? NC हुई है। NC ली है। हाँ NC ली है। आपका नाम क्या है? खदीजा शेख। अच्छा बहन, आपको मैडम ये जो लगा है जिसके सर के ऊपर वार हुआ है, ये मेरे छोटे भाई, ये छोटे भाई है। हाँ। अच्छा, तो इनको कैसे मारा गया और क्यों मारा गया? कोई पहले की दुश्मनी नहीं रही? पहले की कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये तो डैम पे रोज जाता आता है, वहाँ पर बैठता है कि मतलब जाओ मत पानी में कूदो मत, ये नहीं लड़कों को मना करता है। उन लड़कों ने इसको मारा। जब इसका फोन आया तब मैं ऊपर पहुंची, पूरा खून में था वो। हम लोग उसको नीचे लेकर आए, आने के बाद में फिर जब पुलिस चौकी आए कि यहाँ से कलवा गए, कलवा से वापस यहाँ पर है। हाँ, हॉस्पिटल फिर करके अभी 3 टाके बोला है डॉक्टर ने। तो ये रोज रोज का डैम का लफड़ा ही खत्म करो ना, डैम पे कुछ तो करो। ये डैम का मतलब डैम रहने से शहर को फायदा या नुकसान? नुकसान ही है ना, हर किसी के बच्चे मरते हैं उसके अंदर। Thank you.